सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मेरे जैसा और बढ़िया ही रहना। और अभी आया हूँ मैं जिम में, मिलता हूँ मैं आपको जिम से घर पे जाने के टाइम पे, ठीक है? चलो तो अभी चलते हैं घर पे। अपनी आज की एक्सरसाइज डन हो गई, फेस से आपको दिख रहा होगा कितने दिन के बाद आपको दिखाया है और गुड मॉर्निंग किया है और जिम का थोड़ा बहुत दिखाया है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल? अभी जो रेगुलर शेड्यूल है अपना वो 9 बज चुके, ऑफिस जाने के लिए निकल चुका हूँ मैं। और आज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू नहीं बोलूंगा, बिकॉज ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ। जिम गया था तब, जिम के शॉर्ट्स मैं नहीं दिखा हुआ है, बिकॉज के यार अगर वीडियो बनाने बैठूंगा तो एक्सरसाइज पे फोकस नहीं होगा, तो पहले अपने को फोकस एक्सरसाइज पे करना है। अभी मनसुख आ नहीं रहा है, वो एक दो दिन के बाद आएगा तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, वो एक दो वीडियो शॉट अपने ले लेगा, ठीक है? तो अभी जिम को हम वीडियो में नहीं लाएंगे थोड़े दिन तक, फिर बाद में वीडियोस आएंगे जिम के भी सुबह सुबह। ये भाई साहब ने मुंह पे इतना बड़ा रुमाल गमछा बांध के रखा है, इससे अच्छा हेलमेट ही पहन लेते तो शायद धूप भी नहीं लगती और सेफ भी होते। पता नहीं इतना बड़ा गमछा क्यों बांध के रखा है इन्होंने। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जल्दी में लिया गया डिसीजन थोड़ा गलत है। मतलब अभी मुझे वो फील हो रहा है, किस चीज के लिया था वो मैं और कभी बताऊंगा, बहुत लंबी स्टोरी है उसकी भी, तो किसी दिन वो बताऊंगा मैं एक आध ब्लॉग में। आजकल में टाइम मिले तो शोरूम पे जाके ये चेंज करवाना पड़ेगा, ये टूट गया है नीचे से, जो आता है जो फिट होता है जिस जगह से वही टूट गया है। पता नहीं अभी ये कैसे टूटा है, मुझे भी नहीं पता। ये है अपना फतेहगंज और ये है अजय। तो ये विधि और प्रियांशी की वजह से मुझे ना कोल्ड कॉफी का चस्का लग गया है। उन दोनों ने जब से मुझे कोल्ड कॉफी पिलाई है ना ये अजय की, तब से मुझे आदत पड़ गई इसकी, कॉफी बिना मैं आगे नहीं जाता हूँ। वो तो अच्छा है कि अभी हेलमेट पहना है, तो मैं इसलिए नहीं पीता हूँ कि हेलमेट निकालो कॉफी पियो वापस हेलमेट पहनो, तो वो कंटाला आता है इस वजह से। अगर हेलमेट नहीं पहना होता है तो मैं इधर इस साइड आता हूँ या फिर किसी भी एरिया में जाता हूँ, अजय कॉफी होती है मतलब 100% पीता हूँ। तो विधि और प्रियांशी की वजह से सब कुछ मुझे, जो मैं कभी कोल्ड कॉफी नहीं पीता था, अब कोल्ड कॉफी पीने लग गया हूँ। सिग्नल पे ज्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ा अपने को, गिन चुन के 5-10 मिनट ही खड़ा रहना पड़ा और अपना नंबर आ गया है। तो ऐसा अच्छा लगता है जब सिग्नल पे खड़ा ना रहना पड़े, फटाफट अपना नंबर आ जाए तो। और शायद से बीच में पेपर में भी मैंने पढ़ा था कि ड्यू टू समर इतनी हीट की वजह से, गर्मियों की वजह से जो भी 4-lane road है जहाँ पे भी सिग्नल है वहाँ पे अगर आप खड़े नहीं रहोगे तो चलेगा। पर अभी इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है वो मुझे प्रॉपर नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बताओ मुझे, तो जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा हो उनको भी पता चलेगा। बेचारा जो धूप में खड़ा रहता होगा तो नहीं खड़ा रहना पड़ेगा उनको। आज मैं स्लोली स्लोली आया हूँ तो भी जल्दी पहुंच गए हम, एकदम स्लो आया हूँ के जो ना 40 के स्पीड पे आया हूँ, एकदम स्लो। मतलब जो लास्ट अपना मिनिमम जो स्पीड है अपनी उस पे आए हैं जिसमें 5th gear चलता है, तो भी फटाफट आ गए। मतलब कभी कभी ऐसा लग रहा है कि जहाँ धीरे धीरे जाना है वहाँ पे भी आप जल्दी पहुँचते हो, और जहाँ जल्दी पहुँचना है वहाँ तो आप श्योर श्योर लेट ही पहुँचोगे, वो तो कन्फर्म ही है, वो कभी आप वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचोगे, वो मैंने हमेशा नोट किया हुआ है। और दूसरा मैंने ये भी नोट किया है कि जिस काम को जैसे स्पेशल मैं निकलूंगा ना वो काम नहीं होगा, लेकिन इधर उधर घूमते घूमते वो काम करने जाऊंगा ना तो शॉर्ट शॉर्ट है मेरा वो काम हो ही जाता है। तो अभी हमेशा मैंने सोच लिया कि जो भी काम करने जाना है ना तो सोच के नहीं जाना है, ऐसे ही निकल जाना है। तो अगर लगे काम है करने जैसा तो वहाँ पे कर लेने का, बाकी चलेगा। मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि ये हेलमेट के आगे भी एक है ना एक स्ट्रिप जैसा लगा हुआ है, तो वो वापस लगा लेता हूँ इसमें, तो उससे क्या है कि ये खराब नहीं होगा। वैसे वो खराब तो नहीं होता है लेकिन क्या है धूल मिट्टी की वजह से ना वो जल्दी खराब हो जाता है। तो इसके आगे एक रबर स्ट्रिप टाइप है तो वो मैं वापस लगवा लेता हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ। घर पे ही पड़ा है तो इजीली लग भी जाएगा। और पीछे का ये जो पार्ट है इसको निकाल के जो बड़ा वाला फेयरिंग है अपना वो लगा देंगे, जिससे चलाने में भी मजा आएगा। और ऐसे ही बातें करते करते अभी पहुंच गया हूँ मैं ऑफिस, देखता हूँ जो भी काम वगैरह है शुरू करते हैं, तो मिलता हूँ सीधा मैं आपको शाम को घर पे जाने के टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे खाली है, कोई भी एक पब्लिक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है तो यहाँ पे भीड़ होती ही है। तो चलो अभी अपना ऑफिस का टाइम यहीं पे समाप्त होता है और अभी चलते हैं घर के तरफ। उससे पहले बीच में थोड़ा काम है वो खत्म करना है, उसके लिए मुझे जाना है शायद ओपी रोड साइड, वो काम खत्म करके फिर चलते हैं घर के तरफ। आज तबीयत थोड़ी नरम लग रही है, मतलब थोड़ी वीकनेस लग रही है, पता नहीं क्यों, देखते हैं जो भी होगा। तो अभी तक सूरज देवता ढले नहीं है, अभी थोड़ी देर में जाएंगे वो अपने घर पे और हम भी अपने घर पे पहुंच जाएंगे तब तक। तो अभी सीधा यहाँ से हम रफ्तार पकड़ते हैं ओपी रोड के तरफ। ओपी रोड नहीं, विंसर प्लाजा, मतलब अलकापुरी में ही जाना है हमको विंसर प्लाजा में। तो जितना भी ट्रैफिक है सबको चीरते हुए हमको वहाँ पहुँचना है, और उस साइड तो फुल ट्रैफिक होगा, अभी ये टाइम पे फुल ट्रैफिक होगा। तो पता नहीं है, दोपहर के बाद से थोड़ी वीकनेस लग रही है, आज सर पूरा चकरा रहा है और पता नहीं, मतलब थोड़ी वीकनेस लग रही है, तो ये शायद गर्मियों की वजह से हो रहा है, पर वो तो कुछ नहीं, वो तो हो जाएगा, ठीक है? सब तो होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। चलो इतनी देर बाद खड़े रहने के बाद अपना नंबर आया है जाने का,
वो तो मैंने पहले ही बोला था कि ट्रैफिक मिलेगा ही यही टाइम पे, कि अभी टाइम भी इतना ऐसा ही है, 7 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे तो ट्रैफिक रहेगा। और अब नहीं मिलेगा, मतलब ब्रिज पे नहीं मिलेगा, ब्रिज से नीचे तो मिलेगा ही थोड़ा बहुत, तो ज्यादा नहीं। इस रोड पे कैफे भी बहुत सारे हैं, मतलब अंदर गली में देखे तो है मैंने बहुत बार, लेकिन कभी आए नहीं है। तो कभी अंदर ये वाले रोड में जितने भी कैफे है एक आध किसी दिन ट्राई करेंगे। अभी अपने पास यही काम है, कैफे एक्सप्लोर करो, प्लेस एक्सप्लोर करो, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करो, यही करना है सिर्फ अभी हमको। तो जहाँ जाना था वो जगह तो आ गई है। यहाँ पे पार्किंग ढूंढना पड़ेगा, पार्किंग आगे से शायद नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे तो बीच में किसी ने गाड़ी पार्क कर दी, मतलब वहां से तो जा नहीं सकते, तो इधर से जा सकते हैं। ऊपर भी रख दे तो भी चलेगा, चलो ऊपर ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर अपना ये जो काम था वो हो गया, और अभी प्रस्थान करते हैं घर के तरफ। और देखो अगर यहाँ पे आगे बर्ड्स का मधुर आवाज सुनाई देगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। तो अब ये चिड़ियों की आवाज सुनो, कितनी सारी चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया और पैरट्स। तो ध्यान से सुनना, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तो आपको शायद ये पैरट्स की और चिड़िया की मधुर आवाज आपको शायद सुनाई दे। इतना सारा ट्रैफिक है, कैमरा शायद कैप्चर कर पाया उनकी वॉइस या नहीं पता नहीं, लेकिन फिजिकली अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको सुनाई देगी इजिली। बुशर्ट और टी शर्ट, गुजराती मूवी देखने में भी मजा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी आती है, काफी गुजराती मूवी भी अच्छी आती है। तो कभी कभार गुजराती मूवी भी देख लेनी चाहिए, मैं तो देख लेता हूँ बहुत बार मन करता है तो, और सीरियसली बहुत अच्छी आती गुजराती मूवी भी। तो यार चलो आज का व्लॉग है ना यहीं पे समाप्त करते हैं। पता नहीं क्यों वीकनेस थोड़ा लग रहा है अभी, तो बोलने भी थोड़ा कंटाला आ रहा है मुझे आज, पता नहीं क्यों वाई, और सर भी चकरा रहा है। तो अपना जो आज का व्लॉग है यहीं पे समाप्त करते हैं, हम घर जाके छोटी मोटी दवाई लेके खा के सो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के कोई बढ़िया सा व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स।